और फर्स्ट टाइम जिंदगी के पहली दफा इस चीज में ट्राई करना भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाई, तबीयत से ठीक है। मैं हाँ मोहम्मद शहजाद सर यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। तकरीबन दो तो त्रै दिन के बाद आज मैं व्लॉग बनाया था पिया, क्योंकि दो त्रै दिन व्लॉग की छुट्टी की थी मी, तो छुट्टियां खत्म थी गई। दरअसल यार मैं भी काम कर करके ना थक गया ना, डेली वीडियो बनावन जड़ा ना सोखा कोई नहीं, थोड़ा कोई शायद सोखा काम लगता लेकिन काम बहुत औखा। जिन्हें अजन तुमने सारे चैनल को सब्सक्राइब क्या नहीं किया वो सब तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो शुरू करने आज दी मजेदार वीडियो। नाश्ता करे तो सात बजे मिला इकट्ठे नाश्ता करे, नहीं तो मैं नाश्ता कर गया ना। फाइनली व्यूअर मैं नहा धो के बिल्कुल ही रेडी थी चुका, कपड़े चेंज कर के दमी, धान धोगी दमी, नाश्ता भी कर के दमी। बई थोके मजे की गुड न्यूज सुनावा। मोबाइल दे ना ये कुछ तहरीर लिखी खड़ी है, तुसा तहरीर पढ़ो। मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालक में तारीखी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण 25 अक्टूबर 22 नवंबर को सूरज ग्रहण होगा, जो कि पाकिस्तान समेत जनूब मगरबी एशिया यूरोप शमाली अफ्रीका के ममालिक में देखा जाएगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 1:58:21 पर शुरू होगा, जबकि 4:16 पर अरूज पर होगा और इख्तिताम शाम 6:02:12 पर होगा। तो सब व्यूअरों को समझ आइए या कोई ना, ये जरा स्टेटस पढ़ता पिया मैं इंदे मुताबिक अज सारे पाकिस्तान दे विच सूरज ग्रहण हो सी, तो हूँ टाइम थींदा पवे 2:23 और सूरज ग्रहण तकरीबन 1:58 ते स्टार्ट थी वेणा, तो हूँ मैं बिल्कुल सूर्य के सामने खड़ा थी और सामने में हल्की हल्की इंदे इर्द गिर्द अगर तुसा देखो तो हल्की हल्की जड़े ना वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक शेड थोको नज़र आता पे। हाले सूरज ग्रहण हूँ स्टार्ट थे तो वह आता पी 4:58 उत्ते या 16 है मेरे ख्याल 4:16 उत्ते फुल अरूज तो मतलब उस टाइम क्लियर नज़र आ सी। हूँ भी तो देख सकते वे सूरज दिन इर्द गिर्द ब्लैक 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 शेड है पे एडू देखो, तो हाले सूरज ग्रहण हूँ स्टार्ट है लेकिन जल्द अरूज तो ना मैं सूरज ग्रहण उस टाइम थोड़ी खे सा। और मेरे ख्याल जल्द सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगा खड़ा हो साडे गाँव के अक्सर एक कहावत है प्रैगनेंट औरत हो या प्रैगनेंट जानवर हो तो उकू बाहर नहीं बने दे, मतलब उनकी नज़र सूरज ग्रहण ते ना पवे। अगर उनकी सूरज ग्रहण के उ नज़र पै वे प्रैगनेंट औरत या प्रैगनेंट कहीं भी जानदार चीज़ दे तो उनके जो अंदर जो पेट के बच्चा होंगे ना वो लंगड़ा लूल्हा या उनके कोई चीज़ ना कट थी वेंदी, पता नहीं ये क्या है पिया झूठ या सच है मैं कोई नहीं कन्फर्म, लेकिन सारे वड्डे इस गाल को अक्सर दोहराए। और दूजे नंबर थोक पता है पिया असा अपना घर पेंट करवाना है क्योंकि हम मौसम सही चलता पे, तो सारे को कंपनी वाले आए हैं, एक लड़का आया है वो दे गया ना ये सामने शेड कलर वगैरह ना, तो सा मशुरा दियो कि असा घर अपने को केड़ा कलर कराऊं, जिम्मे को ये रूम है पे कितना प्यारा लगता खड़े अगर ये कलर कराऊं, ये येलो कलर है पिया, ये मेरे ख्याल क्रीम कलर है पिया, इन्हें चुन सारे को ढेर सारे ऑप्शन हैं पे, तो जो आया है ना कंपनी वाला बंदा वो सारे घर की ना पिक्चर घिन गया है, तो ऊँ आई कि मैं थोड़े घर की पिक्चर की मैं कंप्यूटर के उत्ते पेंट करके ना थोड़ी दिखा सा एक घर का स्केच बना दे सा कि भाई पेंट थी वाले बाद थोड़ा घर कैसा नजर आ सी, तो वो मैं व्हाट्सएप के उत्ते स्केच सेंड करे सी कि मैं एक रूढ़ी बार दुख सेंड करे सा वह भी मैं थोड़ा दिखा सा, और तुसा भी अपनी राय कमेंट दी वाई कि असा अपने घर को किड़ा पेंट करो जो ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगे जो दूर तो अट्रैक्ट करे। इन कलर है काफ़ी ज़्यादा ये देखो इन भी इन पे मजीद तुसा अपनी राय कमेंट दी वाए क्योंकि असा थोड़ी राय दे मुंतजर रहे हैं पे। ये बाबू जान होने आज आप कारीगर बने पे हर शे त्रोड़ी फरोड़ी खड़न क्या करें दे पे मोटर हवा कर गई लोगों का पेट हवा करें दे सारी मोटर हवा कर गई हवा नप गई अब उन्हें आज वेले बैठे अब उन्हें मोटर का तख्ता काट देते क्या करें दी क्या है मसला क्या है को जुलदे पे शहर को मेरे काम पे दुकान दे कारोबार दे सारे वो काम निपटाऊ क्योंकि दूरी बार वीडियो की छुट्टी की है तो मैं दुकान तो भी छुट्टी की है क्योंकि मैं जहनी तौर पर बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करना चाहना हमें इस वजह तो दुकान तो भी छुट्टी वीडियो तो भी छुट्टी कारोबार तो भी छुट्टी कहीं ना मुलाकात ही कोई नहीं की और हूँ छुट्टियाँ थी खत्म हूँ वाल सारे काम आप निपटने व्यूअर असा घरों निकल हैं घरों आके जल इतना नहर के कोल पहुंचे ना तो सबको याद है मैं अपनी दुकान या अपने ऑफिस या चाबियां घर बोला है तो हूँ उमेर वह पे वापस चाबिया चावल चावे तो असा इतनी अपने गाँव के चौक के उत्ते खड़ के माहौल ले दे और गपशप लेने। क्या हाल है चाचू जी? अल्हम्दुलिल्लाह तो खड़ के लाजा 10 मिनट गपशप ले से उमेर और सामने आ गए चाबियां चाह के
पहुंचे हैं ऐसा हमाम दे उते उमेर दी कटिंग करवावणी आसे। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद गया ओदे घर। घर गया ओदे कितनी देर तक आसे कोई पता नहीं। वीर उस्ताद को कॉल की थी मैं जड़ा हमाम दे उते कटिंग करांदा है उमा के आज मेरी छुट्टी है पहली हाजा आज मैं कोई नहीं आवणा तो उमेर को नाले सजद की थी वजह से वाल दे पे काफी बड़े बड़े थाए वदन और तुसा व्यूअर रिकमेंड कीते पे कहंदे वाल कटवाओ चा बुरे लगदन ई तवल कल इंदी कटिंग करवे सु त जोल जानिया तेरी किस्मत खराब है भाई। टाइम थी ना पे 4:04 और 4 बजे क्या थी होना है तो मैंने सही सूरज गिरन अरूज ते होना है तो मैं उन सूरज मेरे पे को सामने खड़े थे लगने के मेरे को जरा भी फर्क मालूम नहीं थींदा पिया थाको दिखावा पहले दिन इस मेरे तो पहले ही इतना लगता पे इधर देखो एक भाई ने इर्द गिर्द जड़ा ये है ना गोल दायरा वो जड़ा ब्लैक शेडो जड़ा नजर आता पे वो थोड़ा वड्डा नजर आता पे बाकी तो कोई फर्क नजर को नहीं आता पे देखो सूरज तकरीबन बिल्कुल ठीक खड़े थे मेरे ख्याल मुताबिक तो मैं 4 बजे का अलार्म लई वदामी तो मैं शहर के चौक के आ गया तो मैं गड्डी रोक नाम संगदा थोक दिखा नाम संगदा लेकिन 4:04 थोक मैं दिखाए मैं को नहीं कोई फर्क महसूस नहीं पाया थोको कोई फर्क महसूस नहीं पे सूरज के दसाओ नहीं तो मैं को तो पहले की तरह लगता पे तो अपने इलाके के अगर रिठा है सूरज गिरन और उनका कोई फर्क महसूस है तो अपनी राय कमेंट मेरे को शेयर कराए। मुनाफिक तो बच दुश्मन दी खैर है समझदार बंदा है ट्रक वाला। दुकान ते व्यूअर पहुंचे हैं दुकान का ताला खोलने से लेकिन ताले वाली जगह सारे गट्टू लगे पे गट्टू हटाने गट्टू हटा के दुकान खोलने बिजली खड़ी है दरअसल दुकान से आंदे कहीं कहीं है और जद आने बस अपना छोटा जहां काम होता करेंदे तो निकले आए प्रॉपर टाइम दियो ना तो सफाई सुथराई बंदा करेंदा रहा है असाउना होता कहीं कहीं ई क्लीन दे पता कितनी धूल दिखाए हाथ मेरे से दिखाए कितनी उड़ती है करो बेटा ये सारी धूल मिट्टी ये धूल उड़ती है बेटा हूँ इस जगह हाथ मारे में ये जगह देखो क्योंकि इस जगह से धूल इतना हूँ धूल हाथ मारे में ना धूल उड़ गई है तो इनकी चमक कोई नहीं चमक है ये हालत ही वे धूड़ मिट्टी की सारी दुकान देते दुकान का जितना काम करना आसे अद्धा काम किया से क्योंकि असा वाला व्लॉग भी बनाना आसे अद्धा काम करके तो वाला सा जुलते पे हैं वाल जुलते हैं व्लॉग बनाने और बाकी जितना काम बची वो इंशाल्लाह आप कल करे सो अगर सारा काम आज करे रहो तो व्लॉग सारा रहे वैसे और तो पता दू दी बार आगे छुट्टा की दिन मैं पता तो व्यूअर से कमेंट पढ़ता पे तो नाराज थे पे आवे मैं छुट्टा ना किया कर तो अज ज्यादा टाइम इतना नहीं से गुजरे दे बल्ला पखे सारे बंद कर देने अपनी बगैर शीशे दिठे इनू कैमरे जो बैक कर गिंदा बिल्कुल ओके हुण पिछू कपाह आ गई है तो मेरी गड्डी रुक गई हाले ग्रीन लाइन को टच थी अगर कपाह इथा ही रेड लाइन ना रूक टच थी वे ना तो वाली में समझो सारी गड्डी को लगदी पिए पिछली शे ग्रीन थो पता खुशहाली दा निशान हुंदा लाल खतरा दा निशान हुंदा लाल को लगया तई में समझो गड्डी को दा नुकसान थिंदा पे पिछू इथो तनी टपती जगह थोड़ी है पई इनू ट्रक च को बैठे जाए ट्रक थोड़ी जा पिछा थी वे जाए ट्राली पिछा थी वे वाल सारी गड्डी निकल दी ट्रैक्टर ट्राली वाला ड्राइवर आ चुके वो गड्डी पिछा करेंदा पिए जो ही पिछा थी वाली गड्डी तो सारी टप हुए से पिछा कर लंघ हुए से मैं अपनी साइड देख मैं दे दूँ मेहरबानी सही मेहरबानी शुक्रिया आजकल मंडी दे सीजन तो इस वजह तो रश इन वाले गड्डी टपावना गुजारना थोड़ा मुश्किल थी वेंदे पूरे रोड ब्लॉक होने क्योंकि लोडिंग वाले ट्रालियाँ ट्रक ट्राले आए खड़े होने तो इस वजह तो ना जिंगर बर्गर हॉट विंग्स और लिटल ड्रिंक 830 रुपए का बिल ये दे दें ये कितनी देर लगेगी
15 मिनट चले, 15 मिनट में ये बनाए हम यहाँ से वो पार्सल लेके आए। अभी जी ऑर्डर देने बैठे असल वाला मेरे को पार्सल आने तरफ कॉल आई है कि शहजाद भाई थोड़ा पार्सल आया पे तो अपना पार्सल चाह गिनो सामने वो उतना बर्गर खाने बैठे से और पार्सल वाली दुकान वो सामने है मतलब सिर्फ 2 मिनट की दूरी से बैठे से उतना बनते बनते 15 मिनट लग गए सर मैं कि उतनी देर आप पाइंट पार्सल चाहने ये तो बंद थी खड़ी है मैं को कॉल ये उन्हें कि अपना चाहती वजो पार्सल लेकिन इधर तो बंद है लेकिन हाफ शटर खुला पे टाइम थी ना पे 5:16 तो 5 बजे ऑफिस बंद थी वे शटर चाह के दे मैं बिच बैठे तो नहीं सर जी अंदर तक कोई नहीं ये बगैर ज्यादा बिच बढ़ना मुनासिब नहीं लेटर रिसीव कर की दसे मैं के कोई पार्सल है लेकिन लेटर है बे छोटा जिया ये मैं को पता है तो व्यूअर ने भेजा उसी कोई खत उसी दे विच आज लड़कियां को खत थोड़े आंदे उसन जितने मैं को आंदे पेन हर डेली दा दो त्रै खत लेकिन आज एक है ना आगे पीछे तो सब मेरे वीडियो दे दे उसो डेली दे दो त्रै लेटर आ पिज्जा आ चुके बाकी हले सामान आले पकदा पे ओ बाद जासी मेरे दा मुंह देखो तुसा ये जो अन तस्वीर बना दा बेटा गल्ले के तो कुछ नहीं आदा गल्ला खराब तो ना खा मैं तो ना खा जिंगर बर्गर भी आ चुका है मेरे तो मुंह पानी आ कैमरा बंद कर चुप करके सारा माल खा गया क्योंकि माल है सांझा वाले नाल मेरे खाने वाले तेज है लाले शहजाद गड्डियां जी लाले शहजाद गड्डी डीठी असा खड़ गए मिलन वास्ते तने एडू ट्राले पे जी एडू गड्डी के है ते को ट्राला है पिया व्यूअर ए भाई आए वदन पिंडी खेल तो अगे किदे वंदे पे कराची कराची तक वंदे पे दुहाए ट्राले एक ट्राला है ते दूजा ओ तेना मेरी रस्ते खड़ी गड्डी डीठी तेना पहचान गई थी गड्डी दी वीडियो बनाऊं अच्छा रे उना दी फरमाइश है सारी गड्डी दी वीडियो बना छोड़ो मेरा व्यूअर है पिया बहुत प्यारा माशाल्लाह तैयार कराई है हैं गड्डी नई तैयार कराई है वाह सही वाह माशाल्लाह सही माशाल्लाह तुसें बड़े प्यार लगते पे और थोड़ी गड्डी प्यारी प्यारी लगती पे अल्लाह पाक थोक जड़ना लंबी उम्र दे और रिस्क दे वे गड्डी जो ठीक हो गए इजाजत कुछ खांदे पींदे मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह पाक खुश रखे तो मेहरबानी हुन भी और आ चुके अपनी गड्डी दे विच जेड़ा लेटर आया पे हुन ई लेटर को ओपन करके दे दे भी इस लेटर दे विच क्या लिखा होए और ए व्यूअर ने किथू भेजे पहले असूल दे मुताबिक मैं आप पढ़ गिना बिंदे क्या लिखा को पर्सनल चीज तो नहीं अगर पर्सनल चीज है तो वाल तो कोई नहीं कैसा अगर पब्लिक चीज है वाल थोड़ी खा देना फाइनली व्यूअर पहले मैं पढ़ गई ना कोई खास गाल कोई नहीं लिखी हुई जड़ी मतलब के पब्लिक दिखावा नहीं कानून तो लिखा है अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे आपकी रोजाना वीडियो देखता हूँ बहुत अच्छी होती है और शिराज भाई की एक्टिंग भी अच्छी होती है उमेर की गेम भी अच्छी होती है वैसे अली मुनीर भी अच्छा है और मैंने आपसे मिलना है मैं मुल्तान से हूँ मगर जब आप आते हैं मैं नहीं मिल पाता और मुझे पता है आपने मुल्तान आना है फिल्म देखने और आपने खाना मेरे पास खाना है जब भी आएँ और मुझसे रब्ता भी करने मुझसे रब्ता भी करें आपको इंस्टाग्राम पर SMS किए थे आपने जवाब नहीं दिया वस्सलाम आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन ये उन्होंने मोबाइल नंबर ही मैं जरा रिमूव किया वीडियो वास्ते तो ले उन्होंने सिग्नेचर है 24/2022 को उन्होंने सेंड किए आई लव यू वेला मुंडा लव यू टू थी क्या मेरी जान बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक सबको खुश रखे इस तरह वे और इंशाल्लाह मैं मुल्तान हूँ आवना है ना जल्द फिल्म देखना सो सारी टीम तो इंशाल्लाह तुझे मैं रबता करेस और इंशाल्लाह भीरा नाल मुलाकात जरूर कहसूँ खाना तो सारा एक बै दोस्त देखी ने पे मुल्तान तो थोड़े को खाना कोई ना खासूँ हाँ थोड़ा मुलाकात जरूर करेसूँ जल्द मुल्तान आसा मैं इंशाल्लाह आ चुके हैं असा ATM मशीन के कोलो क्योंकि मेरी जेब खर्चा मुक गए कल डूडी वाले छुट्टी की थी जितने पैसे आन बस घर अम्मी अबू होनी को दिते हैं खर्चा उन सब्जी वगैरह समान वगैरह की दाई तो जेब मेरी खाली है हम 1000 रुपया वधाई हूँ थोड़े सामने खाना चका दे से तो जो कि 5000 रुपया ATM बाजी कने गिन गिने ताकि जेब खर्चा बन वे बहुत शुक्रिया जनाब मेहरबानी 5000 रुपया खर्चा मिल गया पैसे कढ़ा के हुन वेंदे पे बाजार मेरी जुत्ती कोई नहीं ओए सामने सिवे खड़ी होए सिवे आटा सिवे खाला हला आधी जवान दी पत्र को सिवे तो सिवे को देख के मेरी कमला थी गए जुत्ती यार सॉफ्ट ही मेरी जुत्ती कोई नहीं मेरी जुत्ती ही मेरी एक बंदे ने जुत्ती पा के दिए वल मैं अपनी जुत्ती भाई गंदा पिया बंदे ने पा के दिल्ली बुलेर पा के दिए मैं के इशारा दे मैं समझ वैसे मैं वाला अपनी भाई सॉफ्ट ही जुत्ती गंदा मेरी जुत्ती दे डाका लग गए इयो नंबर 7 नंबर हो दी हैं 7 नंबर दे चा ए भी बस सारे बिरा दी नई जुत्ती है हां बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल फिट है ये कितने दिए मेरे वास्ते किलो सेब ये कोई नया फ्रूट आया पे
ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਓ ਚਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਅਜੇ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦਿਓ ਚਾ ਪਾਈਆ ਦਿਓ ਚਾ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਥੋੜੇ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਪਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਈ ਵੇ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਆਈ ਵੇ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਵੇ ਇਹ ਮੁਨੀਰ ਆਈ ਵੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੇ ਅਹਿਮਦ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਮੁਲੇ ਕਿਲੋ ਅਨਾਰ ਠੀ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿੰਨਣ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀ ਆਇਆ ਸੇ ਲਖਨੇ ਕਿ ਜੂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਆਂ ਪੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਗਿਆਨ ਫਰੂਟ ਹੀ ਗਿੰਨ ਕੀਤੇ ਸੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨ ਪੇ ਡੂ ਕੰਗੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿੰਨਣ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਵੱਲ ਵੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖਵੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਗਿਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਇਨ ਔਰ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲੇ ਬਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਲਵਾਰ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੂਮ ਤੇ ਗੰਢੇ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੂਮ ਦਾ ਗੰਢ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਫਰੂਟ ਇਹ ਘਰ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਖਵੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਫਰੂਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫਾ ਅਸਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮੁਨੀਰਾ ਕਰੇ ਸੁਗਾ ਘਰ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਇਹ ਲੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹੋ ਇਹਨੇ اخلاق ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਏ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕੁਆਰਾ ਮਰ ਸੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਗਿਣ ਗਿੰਦੇ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਦਿਓ ਚਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦਿਓ ਚਾ ਨਮਕੀਨ ਨਵੇਂ ਆਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਜਰ ਆਈ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਰਾ ਲਈ ਹੈ ਲੋਰਾ ਲਈ ਵਾਲੀ ਲੋਰਾ ਲਈ ਆ ਲਿਓ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਗਾਜਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਰਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਠਾਨ ਭਾਈਓਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਪਠਾਨ ਹਮਾਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਲੋਰਾ ਲਈ ਕੇ ਗਾਜਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕਿੱਦੀ ਵੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗਾ ਸ਼ਰੀਫਾ 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 ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਾ ਦਾ ਟਰੁੱਟਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਫਰੂਟ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਚ ਨਾ ਪਵੇ 9:35 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਵੇ 33 ਮਿੰਟ 8000 ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੋ ਸਮਾਂ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਰੀ ਏ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦੀ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਛੁੜੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਚਾਹਨੇ ਪਲੇਟ ਚਾਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਛੁਰੀ ਤੇ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਟੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਖਵੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੇਬ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਛੁੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿੰਡਦਾ ਵੈਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹਨ ਪੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਹਨ ਪੈ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਜੀਬ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਸਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਖਾਦਾ ਵੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਦਮਾਣਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੇਲੇ ਹਨ ਪਏ ਅੰਗੂਰ ਹਨ ਪਏ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਪਿਆ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਜੁਲ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਸਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਖਾ ਚੁਣੇ ਬੀਜ ਖਾ ਚੁੜੀ ਜੋ ਭੋਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚਾਹ ਮਜ਼ਾ ਚੱਚ ਛੋੜੀ ਅਸ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਤਲਾ ਉਹ ਖਾ ਗਰੀ ਖਾਉਂਦੀ ਸਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਕੋ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਬੋ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਬੋ ਹੋਣੀ ਕੋ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਆਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਸੰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਤਲੇ ਗਿਰੀ ਗਿਰੀ ਯਾ ਹਾਂ ਯਾ ਇਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇ
कैसे जिमें खरबूजा नहीं होता मतलब एक उस टाइप की कोई चीज़ लेकिन जायका इनका सब तो डिफरेंट टाइप है कैसे जायका प्यारा है मैं को तो नहीं दिल करना मैं को तो मैं तो सटे पाया मैंने देखो मैं जायका प्यारा प्यारा अम्मी को भी वर प्यारा लगे पसंद है जायका लेकिन मैं को प्यारा कौन लगा एक कम अज कम 250 रुपए देने डू दाने मैं कि दिया लेकिन मैं को नहीं पसंद है अम्मी को पसंद आ गया हर कहीं असल तो पसंद अपनी अपनी होती है ना वीवर टाइम थींदा पवे तकरीबन पूरे डू दा और मैं हूँ तुम वीडियो एडिटिंग की थी एडिटिंग करके तो पियाँ समझा और कल जरा ना फनी वीडियो भी बनावनी से और उन्दे भी मैं टॉपिक रिसर्च किए उन नवे टॉपिक तो इंशाल्लाह कल वीडियो बनाए सो फनी वीडियो ना तो वीडियो तक थे एंड तुम्हें तक सर वीडियो अच्छी लगे सर वीडियो अच्छी लगी सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो नए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।